all my credit cards got declined. Famous Lionsgate. Thank you very much. Hello, everyone. Welcome back to the channel. We will continue our journey through Vancouver. So buckle up, and I'm going to take you to more must-see places of this city. Vancouver is not only the best city in Canada, it's one of the best cities in the world. Vancouver's population is extremely diverse, and it is close to 3 million, and the most dominant communities in here are the Sikh community and the Chinese community. I am extremely impressed with this city, and I really loved visiting it again, and I'm sure this is not my last trip to this city. कन्वेंशन सेंटर है और इस जगह का नाम है कैनेडा प्लेस। ये पीयर पे वॉक है। बारिश हो रही है, लेकिन वैंकूवर ऐसी जगह है जहाँ पे बारिश को नई चीज़ नहीं है और यहाँ पे ज़िंदगी एज इट इज़ चलती रहती है। ये अच्छा हो गया कि हम लोग ये वाले शेल्स लेकर आए हैं, बारिश से हमें बचाया हुआ। इधर पानी उड़ा दो ज़रा, लुक एट दैट। इधर से भी पानी उड़ा दो। पहले हमने सोचा था कि दूसरे रेनकोट्स लेकर आएँ या छतरियाँ लेकर आएँ, लेकिन आई थिंक वी मेड द राइट डिसीजन के हम ये वाली जैकेट्स ले आएँ, जो कि एज अ जैकेट शेल भी काम करेंगे और एज अ रेनकोट भी काम करेंगे। मामा बेयर का भी ऐसा ही है, ये जो जैकेट है ये एज अ जैकेट भी काम आएगी और एज अ रेनकोट भी। तो ये वो जगह है जहाँ हम थोड़ी देर पहले गए थे, यहाँ पे वो एग्जिबिशन वगैरह हो रहा है और ये सामने सी प्लेन्स हैं। यहाँ से सी प्लेन्स आपको फर्दर नॉर्थ लेके जाते हैं, वेस्ट लेके जाते हैं मुख्तलिफ ट्रिप्स के लिए, और यहाँ से पानी में सेफ फ्लाई करते हैं। आजकल सर्दी हैं तो अभी तक हमने कोई फ्लाई करता तो नहीं देखो। मौसम भी ख़राब है इस वक्त, काफ़ी बारिश हो रही है। वो जो दूसरी साइड आई है नॉर्थ वैनकूवर है, और ये शिप्स खड़े हैं क्योंकि पोर्ट इज़ राइट हियर, तो ये अपनी टर्न का वेट कर रहे होंगे। और ये सामने भी पोर्ट का हिस्सा है, ये सामने दरमियान में है वो। हाँ, ये लग रहा है कि प्लेन जो है ना, ये सी प्लेन ये वाला, ये फ्लाई करने लगा है। अगर वो गैस क्या करता है चला। प्लेन में नहीं पता सी, बारिश ही खड़े हैं, आहिस्ता ही जा रहे हैं, तेजी कर रहे हैं। ये तो गैस डलवाने जा रहा है, मुझे लग रहा है वो गैस स्टेशन है इसका। नो इट इज पुशिंग हार्ड नाउ। वॉक पे कनाडा के प्रोविंसेस, टेरिटोरीज और शहरों के नाम लिखे हुए हैं। जो हमारे पिछले ट्रिप में जहाँ हम आरबी पे गए थे, मैं इसका लिंक पोस्ट करूँगा ऑन द टॉप राइट कॉर्नर, और आप उसकी वीडियोस देख सकते हैं। वो ये वो वीडियोस हैं जब हमने अभी चैनल शुरू नहीं किया था, तो हमें कुछ पता नहीं था, हमने वो अपने लिए रिकॉर्डिंग की थी और मैंने उनको कंपाइल करके उसकी छोटी छोटी वीडियोज पोस्ट की थी, एंड दैट्स हाउ वी गॉट इंटरेस्टेड इन मेकिंग वीडियोज। हेली उड़ा अभी यहाँ से, राइट देयर। ये इधर कनाडा प्लेस पे हमें कॉफी शॉप मिली है, सिंस वी आर क्वाइट वेट एंड कोल्ड, लेट्स गो इनसाइड, लेट्स गेट अ कप ऑफ कॉफी एंड वार्म आवरसेल्व्स अप, लेट्स गो इनसाइड। थैंक यू। What are we getting? Like this one. Cappuccino? So right there, those are the prices. Regular coffee leni hai 12 ounce, which is this cup. So pone $3 kiya, lekin cappuccino hum lene lage hain wo $4 kiya choti. This side? Okay. Meri pyari si chini khati hai, jo coffee bana ke de rahi hai. That's how they make it. Aur Vancouver jo shehar hai, ye इसमें मोस्टली लोग चीनी हैं, काफ़ी तादाद चीनों की है। तो इसने अभी क्रश की है, सो ये फ्रेश ब्रू करेगी कॉफ़ी को। ये बीन्स हैं, इस मशीन ने क्रश किया है, उसने वो पाउडर वहाँ डाला है, वो उसको ब्रू कर रही है, ये दूध डाल रही है उसमें। जीरो कैलोरी शुगर, स्प्लेंडा, रेगुलर शुगर, ब्राउन शुगर,
डिटेल्स को अच्छे तरीके से काम करते हैं. That looks good. Thank you very much. ये कैसे हो सकता है कि कोई दुकान आए और वहाँ से मैग्नेट्स ना खरीदें? हाँ, जितने भी ये लकड़ी के मैग्नेट हैं ये तकरीबन $8 के मिलते हैं. जो रेगुलर हैं वो 4-5, बट दिस इज़ गुड क्वालिटी, लुक गुड ऑल्सो. हाँ जी, किधर जाना आप? चलें उधर सी बस पे या अभी इधर घूमना हमने? नहीं, सी बस पे जाते हैं और दूसरी तरफ घूमते हैं आप चल के, अपोजिट साइड पे जाते हैं या नॉर्थ वैंकूवर चलते हैं, वहाँ चल के घूमते हैं. ये यहाँ का सी बस स्टेशन भी है और ट्रेन स्टेशन भी है. हमें तकरीबन 10-15 मिनट लग गए हैं इस जगह को ढूंढते हुए, लेकिन फाइनली वी आर हियर. अब हम यहाँ से टिकट लेते हैं ताकि हम नॉर्थ वैंकूवर जा सकें. Please insert card below. There you go. हमें तकरीबन 10 मिनट लग गए हैं ये टिकट निकालने में, क्योंकि कोई भी जो कार्ड है मेरा एक्सेप्ट नहीं हो रहा था. सो ऑल माई क्रेडिट कार्ड गॉट डिक्लाइन ऑन दिस वन, और फाइनली मैंने डेबिट यूज़ किया है तो ये टिकट निकल आया. आई डोंट नो कि क्यों डिक्लाइन किया है, सो विल चेक लेटर. लेकिन फाइनली वी हैव द टिकट फॉर सी बस, विल गो टू द टर्मिनल. क्रॉसिंग दिस ब्रिज, ये वैंकूवर का स्टेशन है. तो ये यहाँ पे मोस्टली माल गाड़ियाँ ही होती हैं और वही खड़ी हुई हैं इस वक्त. राइट देयर, दैट्स द बिल्डिंग. बैक से फ्रंट टू बैक इसका एक ही जैसा है. एक टर्म ख़त्म हुई है, दूसरी आ गई है. वो टर्म नजर आ रहा है सामने जो सी बस का है. थैंक यू वेरी मच. दैट्स फॉर द सी बस राइट. बस का भी टर्मिनल बिल्कुल ऐसी है जैसे ट्रेन के टर्मिनल होते हैं. या ये टर्मिनल है, यहाँ पे आके सी बस रुकेगी, जो छोटा सा शिप है. अपने ये दरवाजे खुलेंगे, हम अंदर जाएंगे. देखिए सी बस आ गई है, कैसी शानदार सी बस है ये. बिल्कुल ट्रेन की तरह आई है, देखो एग्जैक्ट जगह रुकेगी, क्या बात है. हालांकि पानी में एक एग्जिट है, सारे जो लोग उतरे हैं वो देखो उस साइड से उतर के जा रहे हैं. सेम इस तरह का टर्मिनल उधर है. अब ये दरवाज़ा खोलेंगे, जब वो खाली हो जाएगी तो हम लोग फिर बैठेंगे इसके लिए. ये टर्मिनल है जहाँ से ये रिवर्स करके लगाई थी इन्होंने, वो एग्जिट टर्मिनल और एंट्री टर्मिनल. ये वैंकूवर का बड़ा ही फेमस लायंस गेट ब्रिज है जो कि ब्रॉड बे पे बना हुआ है. मेरे पीछे जो आपको ब्रिज नजर आ रहा है ये वेस्ट वैंकूवर और नॉर्थ वैंकूवर को मेन वैंकूवर से मिलाता है. इस जगह को बोलते हैं ब्रॉड बे और ये ब्रॉड इनलेट भी बोलते हैं इसको. ये ब्रिज 1938 में बनाया गया था और इसको लायंस गेट ब्रिज बोलते हैं क्योंकि इसकी बैक पे दो हाई माउंटेन्स हैं और ये डिपिक्ट करता है कि वो माउंटेन्स लायंस हैं. 1939 में इसके ऊपर वो दो लायंस भी इरेक्ट किए गए थे. ये 1938 से चल रहा है ब्रिज और ये सस्पेंशन ब्रिज है और आज भी बेहतरीन चल रहा है. इधर ये इनलेट नज़र आ रही है और वहाँ से वैंकूवर की जो पोर्ट है उसको भी रास्ता जाता है. सो शिप्स नज़र आ रहे होंगे कंटेनर के जो वेट कर रहे हैं. और जो बड़े वाली साइड है वो स्टैनली पार्क है. ह्यूज ब्रिज, ये अबाउट 1.8 किलोमीटर का ब्रिज है और ये तकरीबन 1100 फीट जो है ना वो हाई है नीचे से. इसमें आ जाते हैं साइकिल्स और लोग. वैंकूवर में बहुत लोग साइकिलें चलाते हैं और अपनी साइकिल्स को साथ ही इस फेरी में ले आते हैं एक साइड से दूसरी साइड जाके, और फिर बाइसाइकिल चला के जहाँ उन्होंने जाना होता है चले जाते हैं.
आज मैं आपको सी बस का टूर देता हूँ। सी बस की कैपेसिटी तकरीबन 200 लोगों की है और ये नॉर्थ वैनकूवर और मेन वैनकूवर के दरमियान चलती है और ये राइड जो है तकरीबन 12 मिनट की है और हर 15 मिनट के बाद जो है फेरी एक साइड से दूसरी साइड पे जाती है। सो वी आर रीचिंग द नॉर्थ वैनकूवर टर्मिनल आने वाला है। मैं अभी दूसरी साइड दिखाता हूँ आपको जहाँ से बिल्डिंग्स और ये पोर्ट नज़र आ रहा है। इस साइड पर भी पोर्ट है और उस साइड पर भी पोर्ट है। दूसरी साइड नॉर्थ वैनकूवर है। हम लोग डाउनटाउन से आ रहे हैं। पानी में इस प्रिसिशन से लेके आते हैं ये इसको अंदर, विच इज़ रियली समथिंग। लगता है ऐसे कि साइड पे लग जाएगी, टच हो जाएगी, लेकिन दे आर सो एक्यूरेट इन द वाटर। वो वैनकूवर डाउनटाउन है जिससे जिस तरफ से हम अभी आए हैं। सी बस वहाँ से चलती है बिल्कुल राइट एंड फ्रंट जहाँ पे वो आपको बाद मान नज़र आ रहे हैं और यहाँ आके रुकी हुई है। टर्मिनल है, हम अभी इस टर्मिनल से बाहर आए हैं और इस तरफ यहाँ पे पोर्ट है, ये पीछे मार्केट है। इधर अंदर जाते हैं, मार्केट में घूमते हैं हम लोग और उसके बाद हम लोगों को फटीसा पिक करेंगे। मेन रोड से हम वहाँ चले जाएंगे। और ये सी बस गई है जिस पे हम आए थे। सी ताले वाली जगह। इसमें देखो इन्होंने अपने अपने नाम लिख के और ईयर लिखा है, ईयर भी लिखा हुआ है। और ये लोगों ने हमें भी अपने चैनल का लॉक लाने चाहिए यहाँ लगाने के लिए। कुवर का जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है इट्स क्वाइट एफिशिएंट। यहाँ पे ट्रेन है, सी बस है, वाटर टैक्सीज हैं, फिर ये बस स्टॉप है। दे आर ऑल कनेक्टेड। हम इधर से आए थे और ये ट्रेन स्टेशन से हमने टिकट ली और वहाँ से ट्रेन भी चलती है और सी बस भी चलती है। हम लोग यहाँ उतरे हैं और अभी तो देखें यहाँ पे बस टर्मिनल है, नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा। और यहाँ से बसेस जो हैं वो नॉर्थ वैनकूवर, वेस्ट वैनकूवर, यहाँ से सारे एरिया में जाती हैं। तो आपने ऑल अक्रॉस यहाँ पे जब जाना हो वैनकूवर में तो आप कहीं से बैठें और आप टर्मिनल जोन्स की टिकट लें, एक जोन, दो जोन, तीन जोन एक ही वक्त में और एक एंड से दूसरे एंड तक जा सकते हैं। ये वो जगह जहाँ से टिकट्स लेते हैं। अब कोई टिकट बूथ नहीं है, वो सब ख़त्म हो गए हैं। अब सब ऑटोमेटिक है, यहाँ आएँ अपना कार्ड डालें और यहाँ से टिकट ले लें या आप अपना डे पास लें, मंथली पास लें यहाँ से। और ये वो जगह जहाँ से आप एंटर हो जाते हैं और फिर आप अपने रास्ते पे, बस पे जाना तो बस पे, सी बस पे जाना तो ऐसे, ट्रेन पे जाना है तो भी ऐसे। आज के दिन का इख्तिताम जो है ये इंतहाई शानदार ईरानी खाने से हुआ है। ऑल थैंक्स टू भट्टी साहब एंड हिज वंडरफुल डॉटर। इस जगह को कहते हैं लिन कैनियन और लिन कैनियन पे बड़ा खूबसूरत सस्पेंशन ब्रिज है। सो नीचे चलते हैं, ब्रिज देखते हैं चल के। ये जी वो ब्रिज आ गया। ये इधर एक वाटरफॉल गुजर रही है, ये मैं ब्रिज पे अभी चढ़ा हूँ। यहाँ पे ये जब आप इस पे आते हैं तो ये काफ़ी स्टीप है। आवाज़ आ रही होगी यहाँ से पानी के गुजरने की। लाइट ऑपोजिट आ रही है, आई होप कि इसके अंदर से ब्रिज नज़र आ रहा है, दरख्तों के अंदर छुपा हुआ है।
कनाडा में बहुत सारे पार्क्स में लोग इस तरह बेंच डोनेट करते हैं अपने फैमिली मेंबर्स के नाम पे. सो दिस वन इज डैनी टर्नर 1949 टू 2008 लविंग हस्बैंड फादर ब्रदर अंकल फ्रेंड. देयर आर प्लेसेस आई रिमेंबर. एंड इसके अलावा जो लोग वॉलंटियर करते हैं उनके नामों से भी बेंचेस और डिफरेंट जगहों पे चीज़ें लगाई जाती हैं पार्क्स में. यहाँ पे थोड़ी वॉक करेंगे. हम कुछ साल पहले आए थे तो ये सारा कच्चा था, अब इन्होंने यहाँ पे बोर्ड वॉक बना दी है. आई डोंट नो कि कितनी दूर तक, लेकिन ये अच्छा किया इन्होंने. हाँ, काफ़ी चीज़ें इन्होंने पार्किंग बनाई है वहाँ पे, पेव्ड पार्किंग बना दी है. ब्रिज के साथ जो जगह उसको क्लीन अप कर दिया है. ये देखो ना, बहुत दूर तक बोर्ड वॉक बना दी और सीढ़ियाँ बना दी हैं. लेकिन ये भी मस्त सी जगह है जब आप आएँ. यहाँ पे दो सस्पेंशन ब्रिजेस हैं, एक कैपिलानो है और एक लिन कैनियन है. कैपिलानो इज़ अ पेड वन. वहाँ पे और भी उन्होंने ड्रामेबाजी की हुई है. वो हम लास्ट टाइम गए थे, इस दफ़ा नहीं गए. और ये वाला फ्री है, इसमें सिर्फ आपको पार्किंग पे करनी पड़ती है, वो भी अप्रैल ऑनवर्ड. और आप यहाँ पे आ सकते हैं, इट्स वर्थ इट. इसकी जो हाइक है वो भी बड़ी खूबसूरत है. Another day ends here. चैनल से जुड़े रहने का बहुत शुक्रिया. आप लोगों ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को और बेल आइकॉन दबा दें ताकि आपको इस चैनल पर जितनी वीडियोज़ आ रही हैं उनका पता चलता रहे. Until next time, अल्लाह हाफ़िज़.